अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नाहिदास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बावर्ची स्टाइल जमजम बिरयानी। वैसे है तो ये बिरयानी बावर्ची की स्टाइल में, मगर मैंने इसे आपके लिए आसान बनाने की कोशिश की हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो उसे एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। जमजम बिरयानी आम बिरयानी से अलग होती है क्योंकि इसमें कोफ्ते, चिकन, मटन, अंडे, आलू सब होते हैं, इसीलिए इसे जमजम बिरयानी कहा जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर हम इतनी सारी चीज़ें बिरयानी में डाल रहे हैं तो हमें काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसकी तैयारी आप थोड़े देर पहले करें, ताकि आपकी बिरयानी बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही जल्दी बन सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मटन की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 1 किलो मटन ले ली हूँ, उसे अच्छी तरीके से धो के साफ कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। एक मीडियम साइज़ के कांदे को स्लाइस कर लेंगे, एक बड़ी इलायची, एक स्टार फूल, 5 से 6 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। कुकर में हम मटन डालेंगे। उसके साथ ही स्लाइस किया हुआ कांदा, खड़े गरम मसाले, हल्दी, नमक, 1 कप पानी और तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर हम मटन को उबाल लेंगे। जब तक हमारा मटन तैयार हो रहा है, हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चिकन को मैंने इस तरीके से कट कर ली हूँ। उसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हल्दी और नमक अच्छे से मिल गए हैं चिकन में। हम इसे ढक कर मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। साथ ही में हम कोफ्ते की भी तैयारी कर लेते हैं। 1 किलो कीमे को मैंने दोबारा मिक्सर ग्राइंडर में पीस ली हूँ। 2 मीडियम साइज़ के कांदे को चॉप कर लेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से, 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, उसे अच्छी तरीके से हमने रोस्ट कर लिए है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 8 से 10 लाल मिर्चों को हमने मिक्सर ग्राइंडर में दरदरासी पीस लिए हैं, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप चॉप किया हुआ कोथमीर, 1 कप चॉप किया हुआ पुदीना। कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। एक बड़े से बाउल में कीमा निकाल लेंगे, बेसन डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, सूखी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप किया हुआ कांदा, चॉप किया हुआ पुदीना, चॉप की हुई कोथमीर, गरम मसाला पाउडर, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे हाथों की मदद से।
कीमे को हमने अच्छी तरीके से मिला लिए हैं। इसे मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा कोफ्ता मैरिनेट हो चुका है। दोबारा हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम अपने कोफ्ते बना लेंगे। छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं हमें हाथों की मदद से, कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से हमें कोफ्ते बनाने हैं। इस साइज के कोफ्ते हमारे होने चाहिए। एक नींबू के साइज के कोफ्ते हमें तैयार करने हैं। तमाम कोफ्ते हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से हम तमाम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इस साइज में हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हमने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिए हैं। ऑयल जब गरम हो जाए हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखकर अपने कोफ्तों को फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अपने कोफ्ते को फ्राई करना है। अलट पलट करते हुए हम अपने कोफ्ते को फ्राई करेंगे। एक पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। बाकी के कोफ्ते भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। एक बड़ी सी पतीली में 5 से 6 लीटर पानी डाल देंगे। उसमें हम 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 10 से 12 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 तेज़पत्ता, 2 स्टार फूल, 1 छोटी टुकड़ी जावित्री, 10 से 15 काली मिर्च, 8 से 9 हरी इलायची डाल देंगे। 3 से 4 टीस्पून नमक डालेंगे। साथ ही में हम 2 टेबलस्पून कोथमीर डालेंगे और 2 टेबलस्पून पुदीना डालेंगे और उसके साथ हम 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल के इसे उबलने के लिए रख देंगे। हमारे चिकन मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम अपनी चिकन को भी डीप फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई करने से पहले हम अपनी कढ़ाई के तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पर, और फिर जब हमें चिकन फ्राई करना हो तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके अपने चिकन को फ्राई करेंगे। इस तरीके से फ्राई करने से हमारे चिकन अच्छी तरीके से अंदर तक फ्राई होंगे। अलट पलट करते हुए हमें चिकन भी फ्राई करना है। हल्का सा गोल्डन कलर आने पर हम अपने चिकन को प्लेट में निकाल लेंगे। दो से तीन मीडियम आलू को मैंने लंबे स्ट्रिप्स में काट ली थी और उसमें येलो कलर डाल दी थी। इसे भी हम डीप फ्राई कर लेंगे।
आलू जब हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। उसी तरीके से हम 2 से 3 मीडियम साइज के आलूओं को लंबे स्ट्रिप्स में दोबारा कट करके उसमें ग्रीन कलर डाल देंगे और उसे भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमारे 2 कलर के आलू फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। आपके पास जो भी फूड कलर अवेलेबल हो आप उसमें अपने आलूओं को डिप करके फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास ग्रीन और येलो दोनों था और ग्रीन और येलो बहुत अच्छे लगते हैं जमजम बिरयानी में। आलू फ्राई करने के बाद 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल बचा था उसमें हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 छोटी टुकड़ी जावित्री, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 स्टार फूल, 6 से 7 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून लौंग और 4 तेज़पत्ता डाल देंगे। जब गरम मसाले हमारे हल्के से तड़कने लगे तब हम इसमें 1/2 किलो टमाटर की प्यूरी मिक्सर ग्राइंडर में पीस के डाल देंगे। उसके साथ ही में हम 1/2 किलो फेटी हुई दही डालेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और लगातार हमें चलाते रहना है वरना हमारी दही फट सकती है। लगातार हमें इसे चलाते रहना है। जब हमारी ग्रेवी में हल्का सा बॉईल आने लगे तब हम इसमें 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून हरी मिर्च हल्का दरदरा पीसी हुई, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। एक कप भरकर बरिस्ता। अब हम अपनी ग्रेवी को 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ कोथमीर, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ पुदीना। तीन से चार मिनट तक अच्छी तरीके से हम अपने मसाले को दोबारा भूनेंगे। पानी जो हमने रखे थे बॉईल करने के लिए वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। हम इसमें डालेंगे 1 किलो इंडिया गेट बासमती राइस जो मैंने 1/2 घंटे पहले भिगो के रखी हुई थी। राइस हम 80% ही पकाएंगे। जब 80% हमारी राइस पक जाए तब हम अपने चावलों को पानी में से निकाल के उसमें 1 से 2 टेबलस्पून घी डाल के अलग रख देंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से भुना गई है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ मटन जो हमने कुकर में उबाला था। साथ ही में हम बॉईल किया हुआ जो हमने मटन जो तैयार किया था उसमें जो पानी था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिलाएंगे। जो हमने चिकन फ्राई किए थे वो भी हम इसमें डालेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम करके ढककर अपनी ग्रेवी को 5 से 6 मिनट पकाएंगे। जिसमें हमने चावलों को बॉईल किया था वही पतीली में हम अपनी ग्रेवी डालेंगे। चिकन और मटन दोनों मिला के हमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके। चारों तरफ से अच्छी तरीके से हम फैलाएंगे।
हाफ ग्रेवी अभी डालेंगे और उसके बाद हम चावलों को बिछाएंगे ऊपर से। आप देख सकते हैं चावल मेरे बहुत अच्छे परारे बने हैं। चारों तरफ से चावलों को फैलाएंगे। दोबारा से हम ग्रेवी डालेंगे चावलों के ऊपर। बाकी की ग्रेवी हम पूरी डाल देंगे अपने चावलों के ऊपर। अच्छी तरीके से फैलाएंगे इसे। बचे हुए चावल ऊपर से डालेंगे हम। कोफ्ते जो हमने फ्राई करे थे उसे भी हम ऊपर से बिछा देंगे। पांच से छह अंडों को मैंने उबाल ली थी और उसमें बीच में से कट करके रख दी थी, उसे भी हम अपने बिरयानी में ऊपर से बिछाएंगे। जो ग्रीन कलर के आलूओं को हमने फ्राई किए थे वो डालेंगे। येलो आलू भी डाल देंगे। बहुत ही कलरफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं। ऊपर से हम आधा कप बरिस्ता भी डाल देंगे। दो टेबलस्पून चॉप किया हुआ कोथमीर, दो टेबलस्पून चॉप किया हुआ पुदीना और दो टीस्पून केवड़ा वाटर, इसे भी हम अपनी बिरयानी में ऊपर से डालेंगे। सिल्वर फॉइल से हम चारों तरफ से इसे ढक देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे या दम पे रखेंगे। नीचे हम पतीली के एक तावा भी रख देंगे ताकि हमारी बिरयानी नीचे से जले ना। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी जमजम बिरयानी तैयार है। डिश आउट कर लेंगे हम अपनी बिरयानी को। कुछ इस तरीके से हमारी जमजम बिरयानी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितने कलरफुल लग रही है। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डीएम करके कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हूँ। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।